खाना नहीं खाना, ये थे ना इनका बर्तन ये सब चाली थे। और मनकामेश्वर मंदिर ना आज दो जगह जाने वाले हैं हम लोग, निकल लिए हैं घर से। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और हमारे साथ आप भी इंजॉय कीजिए। तो पहले हम लोग जा रहे हैं म्यूजियम, मनकामेश्वर मंदिर का अगले ब्लॉग में डालेंगे, नहीं बहुत बड़ा ब्लॉग हो रहा था, आप लोग फिर पूरा वॉच नहीं करते हो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, तो ये पहुंचने वाले हम लोग म्यूजियम में दिख रहा है और ये छावनी के अंदर ही है। हम लोग शाम के समय गए थे, दिन में यहाँ पूरी बस के बस टूरिस्ट की आती है, देश विदेश के सारे टूरिस्ट आते हैं, पर दिन में हस्बैंड फ्री नहीं होते हैं, तो इसलिए हम लोग शाम के समय गए थे। बंद होने ही वाला था पर हम लोगों को लिए खोल दिया था, दिखा दिया था, नहीं सिविलियन कोई होता तो उसको नहीं दिखाता। यार बहुत ज़्यादा ढालान है यहाँ, इतना संभल संभल के चलना पड़ता है कि जरा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो जाके मुंह के सीधे जाएंगे गिरेंगे। ये म्यूजियम, यहाँ का फोटो भी लेते। ये आ गए हम लोग म्यूजियम, ये जाने का रास्ता अंदर जाने का, चलिए। तो ये एंट्री गेट, बाकी बच्चे हस्बैंड सब लोग चले गए। सर हेनरी जोसेफ की नहीं की मतलब ना, जो ऊपर ये बीच फोटो ना 1811 से लेके बीच, मतलब हमारे कुमाऊं को स्थापना मतलब कराने वाले यही है, और इन इसमें खाते थे ये, मतलब राजा, ये पहले जमानों की मतलब हथियार है। हाँ ना, वो जमान जब 1900 ये मशीन गन है ना, 1912 के समय में ना, जब पिछले, अभी तो ये सब बंद हो गई है ना, इसकी जगह पर दूसरी आ गई है। ये बाहर पहले में क्या था, वो जो पहले की फिल्मों में देखते हैं, हाँ हाँ वही है। अरे ये फिल्मों में दिखा रखे हैं पहले ना, कौन सी और ना, बच्चों को कुछ नहीं बताना पड़ रहा था क्योंकि वो सब पढ़े हुए हैं, सब टीवी देखे हुए, वो खुद पहले बताते थे अंकल ये है, पापा ये, मम्मी ये, ऐसे होता था, ऐसे होता था। तो समझना सिर्फ हम लोगों को, हमें ही था जो है, बाकी तीन लोगों को पता था सब कुछ। और बहुत अच्छा भी लगता था देख के, जितना भी था सब रियल रखा था, जो पहले यूज हुआ युद्ध में या जैसे भी जो है, हर एक यूनिट सबका जो है रियल रखा था। तो लगता था इनको हाथ से पकड़ कर देखें, बहुत अच्छा लगता था। सारी मशीनें जो है, जितना भी सामान था सब रियल का था, कोई जो है ऐसे सूफीस के लिए नहीं था। डोमिनेशन खत्म हो जाए, जब घोप निकाली कार्रवाई हो, जब लास्ट सिरे की कार्रवाई हो, तब काम आता। जिनसे तो हम फायर किए नहीं है कभी, हम की हमारे जमाने में है नहीं ये। इधर सब जो पहले के हमारे जो है वीर जवान है, कर्नल जनरल, उन सब लोग को जो युद्ध जीता था, उन सब लोगों की तस्वीरें लगी हुई थी। सबके नीचे लिखा था कौन किस यूनिट का है, कौन से युद्ध में किसने विजय प्राप्त की, कैसे, सब लिखा हुआ था। तो बहुत सारा समय हम लोगों ने यहाँ बिताया, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से देखी और बहुत करीब से देखी, जो शायद हमको और कहीं नहीं देखने को मिलती। तो बहुत अच्छा लगा हम लोग, और बहुत कुछ नया भी देखने को, जानने को भी मिला है। सबसे अच्छी बात कि बच्चों ने जो बिल्कुल पास से देखा, उन्होंने जाना इसके बारे में, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। रोकेंगे तब देखा जाएगा। ये है कछुआ, और ये बहुत बड़े बड़े रियल के कछुओं के रखे थे। उसके बाद यहाँ से निकलने का था, पूरा म्यूजियम घूम के हम लोग अब निकलने वाले थे। तो ये अभी
यहाँ भी कुछ रह गया था देखने के लिए, जो देखते हुए हम लोग अब निकलेंगे। काफ़ी बड़ा म्यूजियम है और बहुत अच्छे से रखा गया सारा सामान। तो अब आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल या अच्छा लगा हो आपके लिए तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये है बाहर का व्यू, मिलेंगे अगली वीडियो के साथ जो बहुत ब्यूटीफुल होने वाली है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।